झूरी के बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे, हम नहीं कह सकते। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतने में हनत से काम न चलता था और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया, फिर भी तुमने हमें उस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मार कर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूरी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चढ़नी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का ये दृश्य बड़ा मनोहर था। घर और गाँव के लड़के जमा हो गए। ऐसे बैल किसी के पास न होंगे, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया भाग खड़े हुए। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। चारा मिलता तो क्यों भागते। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव उठाने की कसम खा ली। वो मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया, हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी।
सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान में बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां देती है उसी की लड़की है जो घर का मालिक है, ये बेचारी अनाथ हो जाएगी। मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने नहीं देते हो, बताओ तोड़ा कर भाग चलें? हाँ ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग मार डालेंगे। आज ही घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। अब चलते क्यों नहीं? चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी चार ही ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। प्रातः काल दोनों कांची हाउस में बंद कर दिए गए। सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। अब तो नहीं रहा जाता मोती, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर से मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर कई चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि आप बंधन में पड़ गए? जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने बंधन पड़ जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी के देह में जान नहीं है। दो चार दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो लो, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत बढ़ी। फिर तो दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। लेकिन मोती को पकड़ लिया गया और उसकी खूब मरम्मत हुई। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे रहे, किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुबले हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते, ऐसे मृतक बैलों का खरीदार कौन होता। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वो कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उसकी लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या आप ना बचाएंगे? ये आदमी छुरी चलाएगा देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएंगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वो जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित राह है। हाँ इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था, वही खेत वही बाग वही गांव मिलने लगे।
सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। आ, ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। हमारा घर नजदीक आ गया, भगवान की दया है। मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा? इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वो हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। धूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी के हाथ चाट रहा था। दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं समझता हूँ कि चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। इसका सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दढ़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दढ़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दढ़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वो रुका, पर खड़ा दढ़ियल का रास्ता देख रहा था। दढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वो मुझे पकड़ता तो बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा और उसके काम तो न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उल्लास मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। ईद आने वाली थी, सभी लोग उसकी तैयारी में लगे हुए थे। कोई नए कपड़े खरीद रहा था तो कोई सेवैयां, कोई गरीबों की मदद के लिए अनाज खरीद रहा था तो कोई रिश्तेदारों के पास जाने का प्लान बना रहा था। अरे हाँ हाँ, इस बार तो चाहे कुछ भी हो जाए, ईद की दावत पर हम सब लोग पहुँचेंगे। अब सेवैयां थोड़ी ज्यादा ही बनाना फूफी। लेकिन इन सबसे दूर काला बंदर काली पहाड़ी के काले तालाब के पास बैठकर कुछ और ही प्लान बना रहा था। सभी लोग ईद की तैयारियों में जुटे हैं, खुशियाँ मनाने के लिए सब बेताब है, लेकिन मुझे खुशियों से नफरत है, नफरत। इस बार की ईद मैं लोगों को नहीं मनाने दूंगा। बिना चांद देखे तो ईद होती नहीं है। इस बार मैं चांद की चोरी कर लूंगा, ना दिखेगा चांद और ना मनेगी ईद। काले बंदर ने चांद की चोरी का प्लान बनाया, लेकिन चांद की चोरी कोई आसान काम तो था नहीं, इसलिए उसने कब्रिस्तान के कब्र में रहने वाले शैतान का सहारा लेने का सोचा। वो शैतान बहुत ही शक्तिशाली था और काला बंदर का बहुत ही अच्छा दोस्त था। कब्रिस्तान के कब्र से शैतान को निकालने के लिए कब्र को खोदना जरूरी था, इसलिए वो आधी रात को शैतान के कब्र के पास जा पहुंचा। ये रहा वो कब्र, अब मुझे इसकी खुदाई करके अपने शैतान दोस्त को बाहर निकालना है। काले बंदर ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। उसके आकार के साथ साथ शरीर के अंग भी विशाल होते गए। उसके नाखून किसी धारदार हथियार की तरह हो गए। अपने उस नाखून के सहारे उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज माहौल को काफी खौफनाक बना रही थी। काला बंदर लगातार खुदाई करता रहा। 3 घंटे बीत गए। 3 घंटे हो गए, ना जाने ये कब्र कितना गहरा है। हांफते हुए भी उसने कब्र की खुदाई जारी रखी। और फिर वो वक्त आ गया जब उसके नाखून उस शैतान के गाल में चुभ गए। शैतान चिल्लाता हुआ बोला, कौन है? किसकी मौत उसे यहाँ खींच लाई है? ये कहता हुआ वो शैतान कब्र से बाहर आ गया। 50 फुट का वो शैतान दिखने में बहुत ही भयानक था। उसकी एक ही आंख थी, उसके आधे शरीर में मांस था और आधा शरीर हड्डियों का ढांचा था। उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था, जिसे वो जीभ से चबड़ चबड़ करके चाट रहा था। क्यों जगाया मुझे? क्यों जगाया? अब तबाही होगी, तबाही। उसके बाद उस शैतान ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सामने काला बंदर खड़ा था। वो उसे पहचान गया। अरे काला बंदर, तू मेरे दोस्त, तूने मुझे जगाया, बता क्या
क्या दिक्कत है तुझे? मैं पल में तेरी दिक्कत दूर कर दूंगा और फिर वापस कब्र में सो जाऊंगा, क्योंकि तू जानता है ना, मैं ज्यादा देर कब्र के बाहर नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मैं कब्र के बाहर रहा तो मेरा दम घुट जाएगा। काले बंदर ने शैतान से चांद की चोरी की बात कही। चांद की चोरी? ठीक है, मैं अभी उस चांद को चुरा कर लाता हूँ और तेरे हवाले कर देता हूँ। शैतान तुरंत उड़कर आसमान में गया और उसने चांद को अपनी ताकत से काली मिर्च के बराबर बना दिया और उसे एक डिब्बे में बंद कर वापस धरती पर ले आया। ये ले मेरे दोस्त, तेरा चांद आ गया और मेरा जाने का समय भी, क्योंकि तुझे पता है ना, कब्र के बाहर मेरा दम घुटता है। शुक्रिया मेरे यार, अब देखो मैं इस चांद को कब्जे में रख कर लोगों को ईद मनाने से कैसे रोकता हूँ। दोस्त, चांद तो मैं ले आया हूँ, लेकिन इसे संभालने की जिम्मेदारी तेरी है। अलविदा। ये कहकर वो शैतान फिर से कब्र में समा गया। काला बंदर उस छोटी सी डिब्बी को अपने गले में बांध कर अपनी गुफा में आ गया। अगले दिन की बात है, उसी शहर में रहने वाली 6 साल की सलमा से उसके अब्बू अब्दुल कह रहे थे। सलमा, इस बार ईदी में तुम्हें क्या चाहिए बेटा? अब्बू, मुझे तो लाल रंग की फ्रॉक चाहिए, वो जो हमने मस्जिद के पास बड़े से मेले में देखा था ना। अरे कौन सा? क्या अब्बू, आप भी ना कितनी जल्दी भूल जाते हो, वो लाल रंग की फ्रॉक जिस पर एक छोटी सी गुड़िया बनी थी। अरे हाँ, याद आया, जरूर सलमा, इस बार तो मैं तुम्हें वो जरूर दिलाऊंगा। सलमा जब सिर्फ 2 साल की थी तभी उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। अब्दुल ने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था। अब्दुल गुब्बारे बेचा करता था, उसी से उसका परिवार चलता था। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। अब्दुल की लाख मेहनत करने के बावजूद भी वो सिर्फ 2 शाम की रोटी ही जुटा पाता था। पिछले 3 सालों से वो सोच रहा था कि ईद पर अपनी बेटी सलमा को नई फ्रॉक देगा, लेकिन उतने पैसे ही उसके पास नहीं होते कि वो उसे नई फ्रॉक दिला पाता। छोटी सी सलमा बेचारी फटे चिथड़े फ्रॉक में ही रहती, लेकिन इस बार अब्दुल ने तय कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर उसे फ्रॉक दिलाएगा। मौलवी साहब तो कह रहे थे कि आज चांद तो दिख ही जाएगा, मतलब कल ईदी होगी, मस्जिद के बाहर लोगों की बहुत भीड़ होगी, कल मेरे बहुत सारे गुब्बारे बिकेंगे और जब बहुत सारे गुब्बारे बिकेंगे तो पैसे भी बहुत सारे आएंगे। मैं उन पैसों से सलमा को फ्रॉक दिला दूंगा और उसे मीठी सेवैया भी खिलाऊंगा। उसने ये बात सलमा को भी बता दी थी। सलमा बेचारी नई फ्रॉक के सपने देखने लगी। सभी लोग चांद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तय समय से कहीं अधिक बीत गया, चांद का पता ही नहीं था। अम्मा, आज चांद तो दिख जाना चाहिए था, लेकिन आसमान तो बिल्कुल खाली है, चांद कहाँ गया? लोगों को लगा कि शायद चांद आज ना दिखे, कल दिखे, क्योंकि ऐसा अक्सर हो जाया करता था, लेकिन अगले दिन भी चांद का कोई अता पता नहीं था। सभी लोग चिंता में डूबे हुए थे। उधर अपनी गुफा में काला बंदर खुशी के मारे जोर जोर से हंसे जा रहा था। चांद यहाँ मेरे गले में लटका है, मेरे कब्जे में है, अब कभी नहीं मनेगी लोगों की ईद। इस तरह 3-4 दिन बीत गए, चांद का पता ही नहीं चल रहा था। अब तो सभी लोग किसी अनहोनी की आशंका से डर गए। उधर छोटी सी सलमा खुदा से दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला, अगर चांद ही नहीं निकलेगा तो लोग ईद कैसे मनाएंगे, कैसे मस्जिद में जाकर लोग नमाज पढ़कर एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहेंगे, और मेरे अब्बू कैसे अपने सारे गुब्बारे बेचेंगे, कैसे मेरी नई फ्रॉक आएगी, क्या इस बार भी मुझे फटी फ्रॉक से काम चलाना पड़ेगा। अल्लाह मियाँ, आप तो बहुत ताकतवर हैं, फिर अपनी ताकत से चांद को फिर से आसमान में ले आइए ना, फिर से हम सभी को ईद मनाने का मौका दीजिए ना। ये उस मासूम सी सलमा की दुआ का ही असर था कि अल्लाह मियाँ ने एक चमत्कार कर दिया। उस शाम इतनी तेज हवा चलने लगी कि तूफान सा गया। आज के पहले इतना भयानक तूफान कभी नहीं आया था। उस तूफान के कारण काला बंदर की गुफा तक हिलने लगी। ये कैसा तूफान है जो मेरी गुफा को हिला रहा है? मुझे इस तूफान को अपनी ताकत दिखानी होगी, इसने मेरी गुफा को हिलाया। ये कहकर वो गुस्से में बाहर आया, लेकिन बाहर आते ही उसकी सारी ताकत हवा हो गई। भारी भरकम काला बंदर किसी सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ने लगा। अरे अरे, ये तो मैं उड़ा जा रहा हूँ, ये कैसा तूफान है।
तूफान का वेग इतना था कि एक धारदार हथियार एक दुकान से उड़ता हुआ आया और काला बंदर के गले में लटके उस डिब्बे के धागे को काट दिया। धागा कटते ही डिब्बा नीचे गिर पड़ा और उसका ढक्कन खुल गया और काली मिर्च के आकार का चांद डिब्बे से बाहर आया और फिर उसका आकार बड़ा होने लगा। अरे अरे, ये चांद कैसे निकल गया डिब्बे? काला बंदर ये सोच ही रहा था। चांद वापस उड़कर आसमान में चला गया और फिर उस चांद को सभी लोगों ने देखा और खुशियां मनाने लगे। अब्दुल और सलमा ने भी चांद देखा। अब्बू अब्बू, चांद दिख गया, कल ईद होगी ईद। सभी लोग चांद देखकर जश्न मनाने लगे। काला बंदर गुस्से में चांद की ओर देख ही रहा था कि फिर से तेज तूफान आया और काला बंदर को उड़ाकर ना जाने कहां ले गया। अगले दिन सभी ने पूरे धूमधाम के साथ ईद मनाई। अब्दुल के गुब्बारों की भी उस दिन खूब बिक्री हुई। अब्दुल ने उन पैसों से लाल रंग की फ्रॉक सलमा को दिलाई और सभी ने सेवैयां खाई। दोस्तों, खुदा पर भरोसा रखें, वो हर मुसीबत से हमें बचाएंगे। हमारी ओर से आप सभी को ईद मुबारक।